अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ को शुरू करेंगे। केपीके बोर्ड का जो है नया शुरू हुआ फेडरल बोर्ड में, अब जो है ये केपीके का नया शुरू हो गया। इसकी एक्सरसाइज कौन सी है? 2.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, यानी कि हमने कन्वर्ट करना है इसलिए एचरेंट फॉर्म। अब ये एचरेंट फॉर्म होती क्या है? फर्स्ट कर लिया हमारे पास 3, 2, 4, 9, 2, 3, 7, 3 फर्स्ट कर लिया हमारे पास। ये हम कहें जिसे एचरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो देखें इसका फॉर्म, इसका जो रूल ये है कि हमने जो सकता है सक्सेसिव रो में जो सा ना जीरो की तादाद को बढ़ाना होता है। तो पहले हमने सबसे पहले किया है कि अगर हम ऐसे इसको लिखें, ये जीरो आ गया, 9, 2 फर्स्ट करें जो भी ऐसा, तो हमने जो अगली दफा है हमने क्या करना होगा कि ये हमारे पास सेकंड रो में 1 0 है, तो जो इसकी सक्सेसिव रो होगी उसके अंदर इससे रो की तादाद बढ़ानी है, यानी 2 0 समय करने जरूरी है। ये हो जाएगा 1 3, ऐसा लिख सकते हैं हम कोई भी, ठीक है, 0 यहाँ जो भी, मैं वैसे वैल्यू लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 0 0 और ये आ गया 3, ठीक है। जो इस फॉर्म में आता रहेगा, यानी कि जो रो नीचे बढ़ती जाएगी तो उनके जीरो की तादाद भी बढ़ती जाएगी। तो अगर फर्ज कर लें कि इस जगह पे भी जीरो आ जाता तो तब भी ये एचरेंट फॉर्म ही थी। इसका एक और रूल भी याद रखें कि अगर हमारे पास फर्ज कर लें कि ये 4 रो 3 कॉलम होता, तो जिसका जो फोर्थ, तो अगर हमारे पास थर्ड रो 0 हो गई है, तो अगर हमारे पास इससे अगली रो लाजमी 0 होगी सारी, अगर वो 0 नहीं होगी तो फिर ये एचरेंट फॉर्म नहीं। फर्ज कर मैं ऐसे लिख लेता हूँ ये 0 0 3, तो ये हमारे पास ये एचरेंट फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसके जो एक रो जब कंप्लीट 0 हो जाए तो उसके नीचे 0 सारे होना जरूरी है। अगर हमारे पास 0 आ जाएगा यहाँ तो तब तो ये एचरेंट फॉर्म कहलाएगी, वरना अगर कोई इसमें से कोई वैल्यू कोई एलिमेंट आ जाता है कोई नंबर, तो वो फिर हमारे पास एचरेंट फॉर्म नहीं होगी। जैसे मैंने कहा था यहाँ 3 लिख दिया तो फिर अब ये एचरेंट फॉर्म नहीं है। अगर हमारे पास रो पूरी 0 होगी तो उसके बाद अगली रो लाजमी 0 होना है, इस सेकंड में होगी, तो फिर ये एचरेंट फॉर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब देखिए इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। देखिए हमारे पास फर्स्ट जो रो है उसके कारण पे 1 है, हमने यहाँ 0 करना है, सेकंड रो जो है उसका 2 लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R2 - 2R1, यानी कि R2 में से R1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करें तो 2 की जगह पे 0 आ जाएगा, यानी देखिए ये R2 है 2 1 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 3 6 और 2 1 2, अब इनके साइन तब्दील करेंगे, ये प्लस ये माइनस ये मान, ये 0 हो जाएगा, माइनस 6 में से 1 निकल जाएगा तो -5 और 2 और 4 6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 1 3 -1 और ये क्या आ गया 0 -5 और 6। अब हमने इधर 0 करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R3 - 3R1, यानी कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं इधर 3 4 -5, ये मैंने R3 लिख ली और मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 3 3 3 1 3 3 3 9 3 1 3, ठीक है। अब इनके साइन तब्दील कर देते हैं, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा -5 में से प्लस का 3 निकलेंगे तो -2, ये बन गया हमारे पास 0 -5 -2। अब देखें 0, तो हमें यहाँ इधर भी 0 करना जरूरी है, तब ये देखिए सबसे ये 0 आ गया, 1 0 है, अगर इसके बाद 1 0 था तो ये 2 0 होंगे तो ये एचरेंट फॉर्म होगी। अब क्योंकि हमें यहाँ 0 करना है तो हम क्या कर सकते हैं, R3 - R2, यानी कि जब इसको माइनस करेंगे तो उसका साइन तब्दील हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। ये देखिए R3 मैंने लिखी 0 - 5 और -2, ये लिख रहा हूँ 0 - 5 और 6, इनके साइन तब्दील हो गए माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 0 0 और ये -8, इसके बाद हम निकलेंगे आप 1 3 - 1 0 - 5 6। अब हमने इधर 0 कर दिया तो आ गया हमारे पास 0 0 - 8, ठीक है। ये देखें आ गया
सक्सेस रो में ये जीरो एक जीरो था और इसके नीचे वाली रो में दो जीरो आ गए, तो ये हमारी क्या बन गई, एचआर इन्फॉर्म हो गई। अब दूसरा हमारे पास है एक और इसका होता है एचआर इन्फॉर्म, दूसरी होती है रिड्यूस एचआर इन्फॉर्म। अब रिड्यूस का पार्ट थ्री है, टू माइनस थ्री वन 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 टू फोर वन सेवन। अब से कह रहा है रिड्यूस एचएल फॉर्म, लेकिन फर्स्ट करें हमारे पास मैं कहता हूं रिड्यूसर है क्या, इसमें क्या होता है कि डायगोनल के अंदर वन वन और वन के ऊपर नीचे जीरो डालो, जैसे फर्स्ट करने मेरे पास ऐसे है टू थ्री फोर वन फाइव थ्री फोर टू वन, फर्स्ट करने ऐसे है, मैं ऐसे कहता हूँ कैसे इसमें तब्दील करें रिड्यूस सैचुरेटेड फॉर्म में करें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले तो हमें इस कॉलम में वन लाना है, तो सबसे पहले अगर नहीं होगा तो हम क्या करते हैं किसी रो वगैरह को इंटरचेंज करके, अगर वन है तो हम कॉलम को, जैसे देखें ये टू लिखा है ये वन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R2 इंटरचेंज कर लूं R R1 को इंटरचेंज कर लूं R2 से, तो ये वाला 1 उधर चला जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 1 5 3, ठीक है 2 3 4 4 2 1। अब हमने इसके बाद क्या करना है, हमने क्या करना होता है इस 1 के बाद इधर दो जीरो डालनी है लाजमी, और हमने क्या करना है इसके डायगोनल में इस जगह 1 लाना है और ऊपर भी जीरो लाना है नीचे भी जीरो लाना है, फिर उसके बाद नीचे डायगोनल में 1 उसके ऊपर दोनों जीरो लाना है। अगर इस फॉर्म में आगा आ जाएगा तो इसे करेंगे हम रिड्यूस एचुरेट फॉर्म। अगर देखें ये वैसे क्या ये आइडेंटिटी भी होगी ना 111 इस आइडेंटिटी, लेकिन क्या है कि अगर इस 1 की जगह पे 0 आ जाए तब भी ये रिड्यूस एचुरेट फॉर्म है, लाजमी नहीं कि सिर्फ 1 हो, अगर 1 की जगह पे 0 हो जाए तब भी ये रिड्यूस एचुरेट फॉर्म होती है। अब देखिए ये जैसा लिखा हुआ है 2 और ये 1 लिखा, पहले मैं क्या करता हूँ उसे मैंने किसमें करना है रिड्यूस एचुरेट फॉर्म में करना है, हम क्या करते हैं सबसे पहले तो हमने कॉमन पे वन लाना है, तो ये क्या कर लेते हैं इंटरचेंज कर लेते हैं, हम लिखते हैं आर वन आर टू से इंटरचेंज कर रहे हैं, ये हो जाएगा वन वन टू, ये आ जाएगा टू माइनस थ्री और वन फोर वन सेवन। अब हम क्या करते हैं केस में इस टू की जगह पे जीरो लाने हैं, तो हम क्या करते हैं पहले देखें हम वही लिखेंगे पहले आर टू माइनस टू आर वन, यानी कि आर वन को टू से मल्टीप्लाई करने के बाद आर टू से माइनस करेंगे तो इस जगह जीरो आ जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास टू माइनस थ्री और वन, इसको हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू वन दा टू टू वन दा टू 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 दा फोर, ये आपके साइन तब्दील हो जाएंगे, ये आ जाएगा जीरो, ये बन गया हमारे पास माइनस फाइव और ये आ गया माइनस थ्री, हमने लिख लिया वन वन टू, ये बन गया हमारे पास जीरो माइनस फाइव माइनस थ्री। अब हम देखिए इस जगह जीरो करना है तो मैं क्या करता हूँ आर थ्री माइनस फोर आर वन, अब आर थ्री हमारे पास क्या है फोर है, ये आ गया फोर वन सेवन, हम इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे फोर से, फोर वन जा फोर फोर वन जा फोर फोर टू जा एट, अब इनके साइन तब्दील हो गए, ये आ गया जीरो माइनस थ्री और ये आ गया माइनस वन, जीरो माइनस थ्री माइनस वन। अब देखें वन के नीचे दो जीरो आ गए, दोनों जीरो आ गए, अब हमारे पास क्या है ये लिखा है माइनस फाइव, इस जगह में वन चाहिए तो मैं क्या लिख लेता हूँ आर टू बाय, यानी कि माइनस फाइव से इसको डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, आ जाएगी हमारे पास वैल्यू वन वन टू, ये बन जाएगा आपके पास जीरो, ये आ जाएगा माइनस फाइव और माइनस कट के वन आ जाएगा, और इसका माइनस और माइनस कट जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास थ्री अवर फाइव, ये बन गया आपके पास जीरो माइनस थ्री माइनस वन। अब हमने क्या करना है देखेंगे हमारे पास वैल्यू, अब हमने ये डायगोनल में माना इधर जीरो करना है, तो
क्या लिखते हैं देखिए, इसके लिए हम लिखेंगे R3 ये माइनस है, इस जगह अगर हम इसको R2 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दें तो ये जीरो हो जाएगा, हम लिखेंगे प्लस 3R2। अब देखिए R3 हमारे पास है 0 माइनस 3 माइनस 1, तो लिखे जी 0, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9 अबर 48। अब इसको हम ऐड करते हैं जो जगह 0, 0, इसका हम एलसीएम कर लेंगे तो होगा माइनस 1 प्लस 9 अबर 48, इसका एलसीएम आ गया 5, माइनस 5 प्लस 9, तो ये बन गया हमारे पास 4 अबर 5, इसलिए अब आ जाएगा हमारे पास 4 अबर 5। अब हमारे पास देखिए वैल्यू लिखे आ गई हमारे पास 1 1 2, 0 1 3 over 5, और ये बन गया मेरे पास 0 0 4 over 5। अब हमने क्या करना है, इस जगह के ऊपर हमने 1 करना है, तो इसको हम बाई कर देते हैं R3 by 5 over 4, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 1 2 0 1 3 over 5 0 0 1। अब देखें हमने इस जगह के ऊपर आप 0 ला, ये हमारे पास देखें ये आ गया, इधर हमने 0 लाना है और इधर 0 लाना है। अगर मैं रो 1 में से रो 2 को माइनस कर देता हूँ तो इस जगह हमारे पास 0 आ जाएगा, लिखते हैं R1 minus R2, R1 है हमारे पास 1 1 2, ये करेंगे 1 1 3 over 5, साइन तब्दील कर देंगे, यह देगा 1, ये बन जाएगा 0। अब देखिए हमारे पास आया 2 minus 3 over 5, इसका एलसीएम आ गया 5 5 2 10 माइनस 3, तो आ जाएगा 7 over 5, ये बन जाएगा आपके पास 7 over 5। हम इसको लिख लेते हैं, पहले इसको 1 0 7 over 5, ये आ गया आपके पास 0 1 3 over 5, ये बन गया 0 0, और ये 1 है। अब हमारे पास देखिए इधर हमने 0 करना, इधर 0, इसका मतलब है अगर हम रो 3 को 3 over 5 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, रो 3 को 7 over 5 से मल्टीप्लाई करें, रो 1 में से माइनस करें तो ये 0 हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख लेते हैं R1 minus 7 over 5 R3, ठीक है, R3 को 7 over 5 से मल्टीप्लाई करके मैं माइनस करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0 है, ये बन जाएगा हमारे पास 1 0 0, ठीक है। और जब इसको यहाँ करना है हमने 0 करना है तो क्या लिखेंगे, R2 minus 3 over 5 R3, इधर भी 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 0 0 0 1, ये हमारे पास क्या आ गई, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। ये जो मैथ है ये भी बिल्कुल नया है, पहले आपने शायद कभी इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म और एचेलॉन फॉर्म आपने नहीं की होगी, तो इसके जो अगर मेथड आपको सही आप पता हो तो तब ये सवाल आपके हल होते हैं, अदरवाइज आपको काफ़ी डिफिकल्टी आती है क्योंकि प्लस माइनस करने होते हैं, साइन की गलती का काफ़ी इम्कान होता है, तो सिर्फ इसमें आपने ज़्यादा गौर यह करना है कि साइन आपके दुरुस्त लग रहे हैं, अगर साइन सही लगेंगे तो आपके लिए आसानी होगी करना।